गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ शंकर टेक्स चार्ज. सो वी सॉ दैट हाउ शंकर गॉट डाउन ऑन द स्टेशन वेयर हिज जॉब वॉज लोकेटेड एंड ही मेट वन गुजराती फेलो. एक गुजराती फेलो से उसकी मुलाकात होती है और वो कुछ सवाल भी करता है कि यहाँ पर क्या है. और उस स्टेशन को देख करके चौंकता है कैसे स्टेशन पर चारों ओर तार लगे हुए हैं, उसको घेरा हुआ है. और जब वो इन बातों को उससे पूछता है कि क्या नाम है स्टेशन मास्टर से जो पहले से वहाँ पर पोस्टेड था, तो उसका कोई जवाब नहीं मिलता. तो वो सोचता है कि अब मैं इससे कोई सवाल नहीं करूंगा. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. द ओल्ड स्टेशन मास्टर इनवाइटेड शंकर ओवर फॉर डिनर. अब वो जो पुराना स्टेशन मास्टर था उसने शंकर को डिनर के लिए बुलाया. व्हाइल दे सैट डाउन टू ईट द जेंटलमैन सडनली एक्सप्लेन. और जैसे ही वो लोग खाने के लिए बैठे तैसे अचानक वो जो पुराना वाला स्टेशन मास्टर था उसने कहा, ओ हेल आई हैव फॉरगॉटन टू ड्रिंकिंग टू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द ट्रेन. उसने कहा वह हल्लू, अब मैं तो भूल गया कि क्या नाम है पानी पीने के लिए, तो पानी लेने के लिए ट्रेन से. देर इज नो वाटर टू ड्रिंक नाउ. अब पानी पीने के लिए कुछ भी नहीं है. शंकर वॉज सरप्राइज्ड. शंकर जो है वो चौंक जाता है. वॉट, क्या कैन वी नॉट गेट ड्रिंकिंग वाटर एनी वेयर हियर? क्या हम लोगों को यहाँ कहीं पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा? द मैन रिप्लाइड. उस मैन ने जवाब दिया, उस इंसान ने, नॉट रियली, नहीं मिल सकता. द वाटर फ्रॉम द नियर बाय वेल इज सो बिटर. बगल के कुएं का जो पानी हो इतना कड़वा है एंड टेस्टलेस, और उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं है, दैट वन कैन यूज इट ओनली फॉर वॉशिंग क्लोथ्स एंड डूइंग डिशेज. कि उसका इस्तेमाल सिर्फ लोग किस लिए कर सकते हैं? कपड़े धुलने के लिए और बर्तन धुलने के लिए. ड्रिंकिंग वाटर हैज़ टू कम फ्रॉम द ट्रेन. पीने के लिए पानी ट्रेन से ही आता है. शंकर वॉज डिसअपॉइंटेड. शंकर बेचारा उदास हो गया. शंकर जो है वो निराशाजनक हो जाता है, निराश हो जाता है. वाई वुड वन हैव अ स्टेशन इन अ प्लेस वेयर देर वर नो ह्यूमन बींग्स और इवन वाटर टू ड्रिंक, ही वॉन्डर्ड. अब उसने कहा कि ऐसी जगह पर स्टेशन, वाई वुड वन हैव अ स्टेशन इन अ प्लेस, ऐसी जगह पर स्टेशन होने का क्या मतलब है जहाँ पर ना कोई इंसान और ना ही पीने के लिए पानी तक हो. वो सोचने लगा इन सब बातों को. नेक्स्ट मॉर्निंग द ओल्ड स्टेशन मास्टर लेफ्ट. और अगली सुबह वो जो पुराना वाला स्टेशन मास्टर था वो चला जाता है. शंकर वॉज ऑल अलोन नाउ. शंकर अब बिल्कुल अकेला था. ही कुक्ड, वर्कड एंड स्टूड टू सी ऑफ द ट्रेन व्हेन दे चक्ड इन. वो अकेला था, खाना बनाता, काम करता, और जैसे ही ट्रेन के आने का समय होता वो आ करके उसको इशारा करता प्लेटफॉर्म पर. चट का मतलब होता है जब ट्रेन प्लेटफॉर्म के अंदर घुसती है. इन द आफ्टरनून शी वुड आइदर टेक अ नैप और रीड अ बुक. इन आफ्टरनून, जैसे हम लोग क्या करते हैं इन आफ्टरनून में, वी ईट एंड वी टेक अ शॉर्ट स्लीप और वी वॉच टीवी और वी डू समथिंग. वैसे ही यहाँ पर शंकर क्या करता था, या तो थोड़ी देर के लिए सो जाता था या किताबें पढ़ता था दोपहर में. इन द इवनिंग्स व्हेन द शैडोज फेल, और शाम को जब अंधेरा होने लगता, ही वॉक्ड ऑन द प्लेटफॉर्म. वो प्लेटफॉर्म पर टहलता. अराउंड द स्टेशन वर एंडलेस एम्प्टी फील्ड्स विद द होराइजन स्प्रेड एट द एजेस. और स्टेशन के चारों ओर वीरान, खाली खाली मैदान, खेत खलिहान पड़े हुए हैं, जहाँ से होराइजन, होराइजन का तो क्या होता है, जहाँ पर धरती और आकाश एक जगह दिखाई पड़े, मतलब जैसे लग रहा हो कि वो मिल जाए, तो किनारे तक, होराइजन तक, बिल्कुल जहाँ पर धरती और आसमान तक मिलना दिखाई दे रहा था, वो सब बिल्कुल खाली और वीरान पड़े हुए थे. डीप ग्रासलैंड्स एंड इजिप्शियन एकाकिया ट्रीज. भाई साउथ अफ्रीका की कहानी है, तो इजिप्शियन ट्रीज, बड़े बड़े घास के मैदान, सब वहाँ पर ऐसे ही पड़े हुए थे. फार अवे अक्रॉस द ग्रासलैंड्स वन कुड सी द माउंटेन रेंजेस. और उस ग्रासलैंड्स के, उस मैदान के दूर तक हर कोई उन पहाड़ों के वादियों को देख सकता था. द सीनरी वॉज सो एनचैंटिंग. वो नज़ारा देख करके बहुत ही मनभावक नज़ारा था. द ओल्ड स्टेशन मास्टर हैड फॉरबिडन हिम टू स्टेप आउट अलोन. उस बूढ़े स्टेशन मास्टर ने इसको मना किया था कि तुम अकेले मत निकलना. इन टू दिस फील्ड्स बट
ही हैड नेवर टोल्ड हिम वाई। उस पुराने सेशन मास्टर ने उसको मना किया था कि तुम खेतों में मत जाना, लेकिन उसने उसका कारण नहीं बताया। द आंसर केम अराउंड दैट नाइट, उसी रात को इसका आंसर पता चला। इट वॉजेंट क्वाइट लेट इन द इवनिंग, अभी अंधेरा ही हुआ था। शंकर फिनिश्ड हिज डिनर अर्ली एंड सैट डाउन टू राइट हिज डायरी इन द स्टेशन रूम। शंकर अपना जल्दी से अपना खाना पीना खा करके वो स्टेशन रूम में बैठ करके डायरी लिखने लगा। ही प्लान टू स्लीप देयर एट नाइट, उसने निश्चय किया कि इसी रात को यहीं पर सोएगा। सडनली ही हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंट ग्लास डोर ऑफ द स्टेशन रूम, तभी अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी स्टेशन के ग्लास डोर के सामने वाले डोर से। द डोर हैडेंट बीन लैच्ड येट, और जो दरवाज़ा था वो अभी तक बंद नहीं किया गया था। शंकर केम नियर द डोर टू सी अ ह्यूज लायन स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड, शंकर जो है वो दरवाजे के पास है, क्या देखता है कि बड़ा सा शेर उस दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ा हुआ है। शंकर फ्रोज, अब शंकर डर के मारे एकदम थर थर कांपने लगता है, जम जाता है, जैसे उसके अंदर जान ही नहीं। ही सैट डाउन लाइक अ डेड लॉग, जैसे ही कटी हुई लकड़ी का टुकड़ा जब फेंक दो जैसे लगता है जैसे मुर्दा पड़ा हो, वैसे ही वो अचानक से बैठ जाता है। अ स्लाइट नज वुड ओपन द डोर, मतलब एक जरा सा झटका दरवाजे को खोल देगा। एंड शंकर वॉज अनआर्म्ड, और शंकर के पास कोई हथियार भी नहीं था। द लायन लुक्ड क्यूरियसली एट द फ्लिकरिंग किरोसिन लैम्प, अब लायन वो शेर जो था वो जो लालटेन जल रही थी उसको जो है वो फ्लिकरिंग लैम्प का मतलब क्या होता है, जैसे लालटेन आप जलाते हो जब बुझने वाला होता है तो उसकी जोत जो है हल्की हल्की हिलने लगती है हवा के कारण, तो वैसे ही वो लालटेन जो आधा जल रही थी ऐसा लगता है अभी बुझ जाएगी, उसी को इनसाइड द रूम जो घर के अंदर रखा हुआ था उसी को वो लायन बहुत ही क्यूरियसली से देख रहा था। इट स्टूड लुकिंग एट द लैम्प फॉर अ व्हाइल, इट स्टूड लुकिंग एट द लैम्प फॉर अ व्हाइल, स्टूड लुकिंग एट द लैम्प फॉर अ व्हाइल, वो उस लैम्प को उस ढबरी को देखने के लिए कुछ देर में खड़ा था। स्टेड देयर फॉर नो लॉन्गर देन अ कपल ऑफ मिनट्स, लेकिन वो ज़्यादा देर तक रुका नहीं, दो मिनट से ज़्यादा। बट दोज फ्यू मिनट्स सीम्ड लाइक एन इटर्निटी टू शंकर, लेकिन वो दो मिनट, वो जो कुछ पल वहाँ पर उस शेर ने बिताया वो ऐसा लग रहा था जैसे शंकर की मारो जान निकल रही हो। देन एज द लायन लेजली मेड ऑफ टूवर्ड्स द जंगल, और जैसे ही लायन धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ा, शंकर रीगेन्ड हिज सेंसेस, शंकर अपने होश में आता है, मतलब बेहोश नहीं था लेकिन वो एकदम अचंभित शॉक्ड पड़ा हुआ था। ही क्विकली वेंट टू लैच द डोर, तुरंत जाकर के वो दरवाज़ा बंद करता है। ही नाउ न्यू व्हाई द स्टेशन वॉज फेंस्ड विद बार्ब्ड वायर्स, और अब जाकर के उसको जवाब मिलता है कि क्यों इस स्टेशन को तारों से घेर कर रखा गया है। बट दैट वॉज ओनली पार्शियल अंडरस्टैंडिंग, ही वुड हैव टू वेट फॉर अ फ्यू मोर डेज टू नो मोर अबाउट इट, लेकिन वो सिर्फ आधा अधूरा जानकारी था, अभी उसको कुछ और दिन यहाँ पर रुकना पड़ेगा पूरी बात को समझने के लिए कि क्यों इस स्टेशन को वायर से घेर कर रखा गया है। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर, आपके पास दोनों वीडियो है, आप दोनों एक साथ इसको देख लेंगे ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू क्लास।